अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे और हमारी वीडियोज़ इंजॉय कर रहे होंगे और साथ साथ वेट कर रहे होंगे हमारी नई वीडियोज़ का। तो आइए आज आपको दिखाते हैं मारिया बी का एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक, जो कि इंशाल्लाह जल्दी लॉन्च हो जाएगा, जिसकी बुकिंग इस वक्त हमारे पास ओपन है। अगर आप इसकी रिटेल और होलसेल में बुकिंग लेना चाहें तो इस वक्त आप हमें ऑर्डर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर्स पर। तो आइए आपको दिखाते हैं सबसे पहले मारिया बी की वेडिंग एडिशन की कैटलॉग। इस वक्त आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर मारिया बी के वेडिंग एडिशन की कवर पिक्चर, जिसमें आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत सिल्क का सूट। तो इनकी प्राइस एवरेज रिटेल जो है वो 21,000 है, जिसमें कुछ आर्टिकल्स जो हैं वो 19,600, कुछ आर्टिकल्स जो हैं वो अबव 21,000 और डिफरेंट प्राइसेस के हैं। यानी ये कह सकते हैं आप कि हर आर्टिकल की प्राइस डिफरेंट है, लेकिन जब हमारा होलसेल बायर आता है तो उसके लिए हम एवरेज रिटेल बता देते हैं। तो ये आप देखें, ये आपकी स्क्रीन पर है D2, जो कि बहुत ही खूबसूरत लॉन्ग मैक्सी स्टाइल, फ्लोर लेंथ मैक्सी स्टाइल है। ये विंटर से इंस्पायर्ड लग रहा है, क्योंकि हमारे जो लास्ट विंटर कलेक्शन था हमारी अभी का, उसमें भी देखा जा सकता था कि वेलवेट वेस्ट कोट के साथ एक फ्रॉक डिज़ाइन की गई थी, जो कि तकरीबन एंकल लेंथ थी, और ये उसी से इंस्पायर्ड जो है वेडिंग एडिशन में एक आर्टिकल ऐड किया गया है, जिसके साथ जेकार्ड का दुपट्टा पेयर किया गया है। इसी आर्टिकल का हम आपको क्लोजअप दिखाते हैं, और ये आप देख लें कि लेमन कलर की जो है इसके ऊपर वेलवेट की वेस्ट कोट पेयर की गई है, पिंक कलर का ये आर्टिकल है, और इसके नीचे डिजिटल प्रिंटेड जो है लाइनिंग ऐड की गई है। और ये आप देख लें कि ये फ्लोर लेंथ मैक्सी है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है पिंक ऑफ वाइट एंड लेमन के कंट्रास्ट में। आफ्टर D2 ये आप देख रहे होंगे D5 आपकी स्क्रीन पर, मैसूरी नेट के ऊपर ये सूट डिज़ाइन किया गया है। इस जो आर्टिकल को दो स्टाइल में स्टिच किया गया है, एक तो इसमें लॉन्ग फ्रॉक की गई है, दूसरी शर्ट स्टाइल में इसको जो है स्टिच करके कस्टमर्स को आइडिया दिया गया है कि आप किस तरह इसकी स्टिचिंग स्टाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये D5 का जो आर्टिकल है, ये भी आप देख लें कि खादी मैसूरी नेट पर डिज़ाइन किया हुआ है, मल्टी कलर इसका दुपट्टा है। इसका क्लोजअप व्यू मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ। ये आप देख रहे होंगे कि बहुत ही खूबसूरत सीक्वेंस वर्क, मल्टी कलर जो है इसकी स्लीव्स और इसके अपर पार्ट ऑफ शर्ट आपको नज़र आ रहा होगा। और इसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ मारिया बी का आर्टिकल नंबर D1, जो कि ऑफ वाइट गोल्डन रेड के कंट्रास्ट में है, बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल है। इसको भी फ्लोर लेंथ मैक्सी स्टाइल में स्टिच किया गया है। इस दफ़ा मारिया बी के तकरीबन तमाम आर्टिकल जो हैं वो लॉन्ग लेंथ में डिज़ाइन किए गए हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपको फैब्रिक भी अवेलेबल होगा। और ये आप देख रहे हैं D1 का कंप्लीट व्यू आपके सामने, बहुत ही हैवी एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टा, हैवी एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट, इसको चाहें तो आप लहंगे के स्टाइल में भी स्टिच कर सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगेगा। और ये फाइनली वो आर्टिकल है जो कि मुझे मेरे एक पसंदीदा आर्टिकल में से एक है। मुझे D4 बहुत पसंद आया है, सिल्क के ऊपर ये डिजिटल प्रिंटेड सिल्क सूट है, जिसके ऊपर ऑर्गेंजा का दुपट्टा पेयर किया गया है, एम्ब्रॉयडर्ड और चटापट्टी की बॉर्डर से उसको एम्बेलिश किया गया है। ये D4 का क्लोजअप है आप देख रहे होंगे, सॉरी फुल व्यू है, जिसमें आप देख रहे होंगे कि हैवी एम्ब्रॉयडर्ड जो है बॉर्डर वो इसके साथ पेयर की गई है। इस आर्टिकल को अंगरखा स्टाइल में डिज़ाइनर ने स्टिच किया है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको डिफरेंट स्टाइल में स्टिच कर सकते हैं। इसके साथ साथ जेकार्ड का ट्राउज़र पेयर किया गया है। और यह आप देख लें मारिया बी का आर्टिकल नंबर D3, जो कि ब्लैक कलर का आर्टिकल है, एप्लिक जो है एम्ब्रॉयडरी की गई है, और इसके साथ साथ इस पर जेकार्ड का दुपट्टा पेयर किया गया है। लग तो यह आर्टिकल ऑर्गेंजा पर डिज़ाइन किया गया लग रहा है, लेकिन जब कलेक्शन आएगा तो पता चल जाएगा कि इसका फैब्रिक कौन सा है। इसके नेकलाइन पर एक आप फर एम्बेलिशमेंट देख रहे हैं, ये हमें अनस्टिच सूट के साथ अवेलेबल नहीं होगी। ये आप देख लें इसकी एप्लिक बॉर्डर और इसके दामन पर जो है गोल्ड कलर की एम्ब्रॉयडरी, उसके साथ साथ इसका जेकार्ड का दुपट्टा। इसके बाद जो आर्टिकल है वो है D6 भी मैसूरी नेट पर डिज़ाइन हुआ लग रहा है, जिसके साथ जो है वेलवेट की बॉर्डर्स पेयर की गई हैं विद कटवर्क, और जेकार्ड का दुपट्टा पेयर किया गया है। गोल्डन मैरून का कंट्रास्ट है अगेन, एंड दिस इज़ वन ऑफ द नाइस ड्रेस, बट इतना भी अच्छा नहीं है कि मुझे जो है बहुत पसंद आ जाए। वैसे आप लोग अपना फीडबैक जब मुझे कमेंट्स में देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मुझे इंतज़ार रहता है कि मेरे बोले बगैर भी आप लोग मुझे मेरी कैटलॉग्स पर बता दिया करें कि कौन सा आर्टिकल है जो आपको पसंद आ रहा है। अगर आप बाय करना चाहते हैं कोई आर्टिकल तो भी आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर्स पर, जो कि डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए जाते हैं। अब जो आर्टिकल है वो है D7, वेलवेट पर डिज़ाइन किया गया, और इसके साथ साथ जेकार्ड ऑर्गेंजा का दुपट्टा पेयर किया गया है, और उसके साथ
ट्राउजर भी जैकार्ड का पेयर किया गया है। D7 भी मेरा एक फेवरेट आर्टिकल है, मुझे पर्सनली ये आर्टिकल बहुत पसंद आया है क्योंकि इसकी जो डिज़ाइनिंग स्टाइल है वो बहुत यूनिक है। बाकी तमाम आर्टिकल्स को देखा जाए तो कहीं ना कहीं ऐसा शो होता है कि पिछले आर्टिकल्स को ही मॉडिफाई करके इंट्रोड्यूस कर दिया गया हो, जबकि इतनी हाई प्राइसेस में ऐसा होना तो नहीं चाहिए। लेकिन मारिया बीकर ये भी एक फ़न है कि वो बहुत खूबसूरती से ओल्ड आर्टिकल्स को बड़ा खूबसूरती से मॉडिफाई करके इंट्रोड्यूस कर देती हैं और कस्टमर्स बहुत लाइक भी करते हैं। ये आप देख रहे हैं D7 का फुल व्यू आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल है। और ये इसका अनदर व्यू, तो D7 जो है वो मुझे बहुत पसंद आया है। लास्ट आर्टिकल जो है वो D8 है, जिसमें फॉयल प्रिंटिंग और उसके साथ साथ एम्ब्रॉयडरी का कम्बिनेशन इंट्रोड्यूस कराया गया है ऑन गोल्डन कलर ऑफ साड़ी। दो के मारिया बी की पिछली साड़ी कलेक्शंस बहुत ही खूबसूरत होती थी, इस दफ़ा साड़ी पर इतनी मेहनत नहीं की गई जितनी पिछले कलेक्शंस में नज़र आती थी। तो ये मारिया बी की साड़ी है, आपको क्लोजअप व्यू भी दिखा देते हैं। मुझे ये साड़ी बस सो लगती है। तो ये आप देख लें मारिया बी की साड़ी का एक और क्लोजअप व्यू। तो ये था मारिया बी का वेडिंग एडिशन। अगर आप इसे होलसेल या रिटेल में परचेज करने में इंटरेस्टेड हैं तो व्हाट्सएप करें हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर्स पे और बुक करा लें अपना फेवरेट सूट एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि ये लिमिटेड स्टॉक है। बाद में इसके रेप्लिका वगैरह आ जाते हैं, उस वक्त कस्टमर को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और इसके साथ साथ मुझे ये बता दें कि मारिया बी के वेडिंग एडिशन में से आपको कौन सा आर्टिकल है जो सबसे ज़्यादा पसंद आया है। इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियोस को लाइक कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर अपडेट्स आपसे मिस ना हो। इसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ मारिया बी के आर्टिकल्स की प्राइस, ऑफिशियल प्राइस लिस्ट जो कि ऑफिशियली रिलीज़ की गई है, जिससे आपको आइडिया हो सकेगा कि मारिया बी के ड्रेसेस की प्राइस क्या है। क्योंकि ये मारिया बी एम्ब्रॉयडर्ड वॉल्यूम 18 है और 2019 का एडिशन है, इसमें आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम 1 इन 2 21,850 रुपीज़ में रिटेल प्राइस ऑफर की गई है। आर्टिकल नंबर 3 19,600, आर्टिकल नंबर 4 21,850 रुपीज़, आर्टिकल नंबर जो है 6 जो है वो 19,600, आर्टिकल नंबर 7 20,950 रुपीज़ और आर्टिकल नंबर 8 भी 20,950 रुपीज़ में रिटेल प्राइस ऑफर की गई हैं। इसके सेट प्राइस जो है हमारे होलसेल बायर्स के लिए सेट रिटेल होगी 167,600 रुपीज़। तो अगर आप इसको परचेज करने में इंटरेस्टेड हैं तो रब्ता कर लें हमारे व्हाट्सएप नंबर्स पर, क्योंकि इस वक्त ही हमारे पास इन स्टॉक अवेलेबल है।